नगरीय निकाय चुनाव के लिए आज हो रहे वोटिंग में मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सुबह से शाम तक सभी मतदान केंद्रों में मतदाताओं का जमावड़ा देखा गया। लगभग सभी मतदान केंद्रों में महिला मतदाताओं का उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में महिलाएं अपने घर से कामकाज निपटाकर मतदान करने पहुंची थी। इधर अगर मतदान को लेकर महिला और पुरुष मतदाताओं के बीच तुलना करें तो पांचों संभाग में बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर संभाग में महिला मतदाता पुरुष मतदाताओं की अपेक्षा ज़्यादा जागरूक नजर आई, तो वहीं सरगुजा और बस्तर संभाग में पुरुष मतदाता अपने मताधिकार के प्रति ज़्यादा जागरूक नजर आए। वहीं सभी मतदान केंद्रों में सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया था। पुलिस बलों के द्वारा सघन जांच भी किया जा रहा था ताकि कोई मतदाता मोबाइल या प्रतिबंधात्मक वस्तु मतदान केंद्र के भीतर न ले जा सके। रायपुर के महापौर प्रमोद दुबे ने अपने पूरे परिवार के साथ आनंद समाज वाचनालय में बनाए गए मतदान केंद्र पहुंचकर मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्षद का चुनाव सीधा जनता से जुड़ा हुआ चुनाव होता है। विधायक भी कई बार अपना काम पार्षद के ऊपर डाल देते हैं, लेकिन पार्षद एक ऐसा व्यक्ति होता है जो सीधा लोगों से जुड़ा होता है। प्रमोद दुबे ने कहा कि इस बार तीसरी बार रायपुर नगर निगम में कांग्रेस की स्थानीय सरकार बनेगी। मतदाताओं ने साफ रुझान दिखाया है। अच्छा उत्साह है लोगों के बीच में, और प्रजातंत्र में ये आवश्यक है कि लोग अपने मताधिकार का उपयोग करें, थोड़ा समय जरूर निकालें। हम अपने जनप्रतिनिधि को चुनने के लिए अगर कुछ समय, पूरे 5 साल हमको काम करना है, और वो पूरे 5 साल में लोगों का चयन किस प्रकार का होता है, ये निश्चित रूप से आज उत्साह जो देखकर लग रहा है कि लोग अब अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। और अच्छी मतदान, और ख़ासकर इस बार जो बैलेट पेपर है उससे लोगों में और ज़्यादा उत्साह लोगों को नज़र आ रहा है, और अपना जिसको वोट डाल रहे हैं वो उसको अपनी आँखों से देख रहे हैं। इधर रायपुर के सांसद सुनील सोनी ने अपने परिवार के साथ सदर बाजार के महाराणा प्रताप स्कूल में पहुंचकर मतदान किया। वहीं मतदान करने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। उन्होंने भूपेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि आम लोगों से एक वोट करने का अधिकार छीना गया है। ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से वोटिंग करवाई जा रही है, जिसके कारण कई मतदान केंद्रों में खुलेआम धांधली हो रही है, और खासकर संवेदनशील मतदान केंद्रों में सबसे ज्यादा धांधली का भी सांसद ने आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ की लगभग 40 लाख जनता, हमारे भाई बहन, आज ठगा महसूस कर रहे हैं। मैं भी अपने आप को ठगा महसूस करके आज मतदान किया है। हम सब ने सोचा था 2 वोट डालेंगे। लोकतंत्र के अंदर में हम अपना महापौर चुनेंगे, नगर पालिका नगर पंचायत वाले अध्यक्ष चुनेंगे, लेकिन इन लोगों ने, भूपेश बघेल जी और उनकी सरकार ने 40 लाख जनता का एक वोट छीना है। हमने सोचा था कि मशीन में बटन दबा के जो है मतदान करेंगे, लेकिन उसको बैलेट पे लाके खड़ा कर दिया। सवेरे से मेरे पास में फ़ोन आ रहे हैं, सैलेम स्कूल से फ़ोन आ रहा है कार्यकर्ताओं का कि वहाँ किसी का आईडी चेक नहीं कर रहे, और जो पाए वो जाकर वहाँ पे मतदान कर रहे हैं। आप सैलेम स्कूल में जाकर देख सकते हैं कि किस प्रकार से वहाँ पे माहौल खड़ा किया है। मैं मतदान केंद्र का नाम भी ले रहा हूँ, और संवेदनशील जितने मतदान केंद्र हैं वहाँ पे एक दहशत का माहौल खड़ा किया है। मतदान के बीच राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के बीच राजधानी में कहीं कहीं छुटपुट घटना होने की जानकारी मिली है, लेकिन कहीं भी कोई बड़ी घटना घटित नहीं हुई है। कुल मिलाकर स्थानीय सरकार का चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से निपट गया। ब्यूरो रिपोर्ट, देश टीवी। ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। देश टीवी, we report, you decide.